बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सॉल्व पी प्लस क्यू इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसके लैग्रेंजिस एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे और उसकी हेल्प से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो लिख सकते हैं हियर लैग्रेंजिस एक्सिलरी मतलब हेल्पिंग, जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। इक्वेशंस आर, तो इसकी लिखने का तरीका कि पहले तो यहाँ पर पी है उसकी जगह पर आप डी एक्स लिख दें और उस पी का जो कोफिशेंट है, नहीं लिखा तो वन होगा, वो लिख दें अपान में इसके डी एक्स के। फिर क्यू की जगह पर डी वाई लिख दें और क्यू का कोफिशेंट नहीं लिखा तो वन उसको यहाँ पर लिख देंगे, जो भी कोफिशेंट वन है, जो भी कोफिशेंट है वहाँ लिख देंगे डी वाई के अपान में। इक्वल टू राइट हैंड साइड में डी जेड अपान में, जो भी राइट हैंड साइड में हमें नज़र आया उस पूरे को लिख देना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमें डी जेड के नीचे लिखना है। अब यहाँ पर हमें ऐसे मल्टीप्लायर ढूंढने होंगे कि ये इनका सम किसी तरीके से किया जाए, मल्टीप्लायर के साथ में डी एक्स डी वाई के अपान में ज़ीरो आ जाए, रेशियो की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, यानी प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए। तो वैसे तो बहुत आसान से एक रिलेशन हमें इन दोनों से मिल रहा है, तो पहले तो हम लोग फर्स्ट टू फ्रैक्शंस ले लेंगे, तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिख देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर वन डाल दें ताकि हम इसको बुला सकें कभी भी। तो टेकिंग, ये थोड़ा आसान पड़ेगा, टेकिंग दी फर्स्ट टू फ्रैक्शन, तो फर्स्ट टू फ्रैक्शन से लेंगे तो हमें मिलेगा डी एक्स अपान वन इजिकल टू डी वाई अपान वन, वन से डिवाइड करेंगे तो ये इतना ही आ जाएगा और इसको फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर, जब इंटीग्रेट करेंगे तो डी एक्स यानी डिवाइड करेंगे तो यहाँ वन का इंटू मान सकते हैं, वन को वन से डिवाइड करेंगे वन आ जाएगा और डी वाई, और इंटीग्रेट करने पर वन का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने पर अगले पेज पर हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स और इक्वल टू वन का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो वाई के इक्वल हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी वन ऐड कर दें और इसको एक वाई को उधर ले जाएं तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सी वन आ गया। ऐसे इक्वेशन नंबर वन डाल के यहीं पर, यानी वन तो हो चुका, टू टू डाल देते हैं इसको, यहीं पर छोड़ दें। अब इसके लिए मल्टीप्लायर जो है वो वन वन ले लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर यानी वन वन मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर और डिनोमेटर में वन वन से इंटू करके और प्लस कर देंगे तो इक्वेशन नंबर वन से। तो टेकिंग या चूजिंग वन कमा वन एज मल्टीप्लायर, तो हमें मिलेगा पहले तो जो इक्वेशन नंबर वन है उसको एज इट लिख लीजिए और उसके बाद ये हर एक देख रहे हैं कि फ्रैक्शन जो है वो इक्वल हो जाएगा। मल्टीप्लायर हमने चूज़ किए थे यहाँ पर न्यूमरेटर में, हम डी एक्स में भी वन से इंटू करेंगे और डी वाई में वन से और डी जेड में वन से, ऐसे ही यही काम हमें यहाँ पर भी करना, वन से वन का इंटू करेंगे वन आ जाएगा, वन से वन का इंटू करेंगे वन आ जाएगा और यहाँ पर भी वन से इंटू करेंगे तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वन इंटू वन, वन इंटू वन, वन इंटू वन। तो देख रहे हैं कि ये हर एक फ्रैक्शन जो है वो इसके इक्वल आ रहा है, मीन्स हम इसे लिख सकते हैं कि ईच फ्रैक्शन, या तो इनको लिखा रहने दें या फिर हम इसे लिख सकते हैं ईच फ्रैक्शन जो है वो इक्वल आ गया डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपान, ये वन वन टू हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं ईच फ्रैक्शन जो है वो वन प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल आ गया, और ये जो अब इस की वैल्यू को हम किसी के भी साथ में लिख सकते हैं, कोई फ्रैक्शन यहाँ से लिख लें जो हमारे लिए आसान रहे। तो
इसका यूज़ कर लेते हैं, dx को लेते हैं, यानी dx की वैल्यू, क्योंकि ज़ीरो नहीं आया इसलिए हमें इनमें से कोई एक को दोबारा से लेना होगा। तो dx यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है dx प्लस dy dz को, यानी d को अगर यहाँ लिख दें और ये हो जाएगा x प्लस y प्लस z, क्योंकि इसका डिफ्रेंसीशन करेंगे तो प्लस है यहाँ पर, तो d ऑपरेट होगा तीनों पे, ये मिल जाएगा हमको। वन वन ये हो गया टू, यानी टू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे, दोनों साइड जब इंटीग्रेट करेंगे तो लिख दीजिएगा ऑन इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेटिंग दोनों तब इंटीग्रेट करेंगे, वन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर डिफ्रेंसीशन इंटीग्रेशन हो रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपान टू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हम थोड़ी देर के लिए राइट हैंड साइड के लिए x प्लस वाई प्लस जेड को कुछ मान लेते हैं, क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें ये टी नहीं मान रहे हैं, हम कुछ और मान लेते हैं क्योंकि टी यूज़ होता है हमारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, हालांकि फर्स्ट ऑर्डर का है उसमें पी और क्यू ही यूज़ होते हैं, फिर भी हमसे थोड़ा बच के कुछ और यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम माना कि इसको यू कह देते हैं, यू। तो जब इसको डिफ्रेंसीशन करेंगे तो x दोनों साइड, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और यहाँ पर डिफ्रेंसीशन करेंगे तो डी डी यू हो जाएगा, और फिर जब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एज इट लिख दीजिए जो भी लिखा है, राइट हैंड साइड में ये डी एक्स प्लस वाई प्लस जेड के यहाँ पर डी यू लिख दिया जाएगा, और अपान में टू प्लस का यू। तो यहाँ पर वन का इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते हैं एक्स होता है, और वन अपान, जैसे कि वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि ई की पावर एक्स होता है। अब इसके साथ में कोई भी कांस्टेंट ऐड हो रहा हो तो कोई फेक नहीं, यहाँ पर वेरिएबल अपना एक्स है फार्मूले का, और यहाँ पर वेरिएबल यू है, तो इसका इंटीग्रेशन भी जो है वो हो जाएगा लॉग इसी, सॉरी ई की पावर वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स होता है, आपको पता ही है हमने गलती की बहुत बड़ी, वन अपन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो इसी तरीके से वन अपन इसका इंटीग्रेशन भी लॉग हो जाएगा ये टू प्लस यू। कोई भी कांस्टेंट इसके साथ ऐड हो रहा हो या सब्सट्रैक्ट हो रहा हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन ये देख लेना चाहिए कि जो वेरिएबल है यहाँ पर यू, उसको कोएफिशिएंट वन के अलावा कुछ और तो नहीं, अगर यहाँ तो चूँकि वन नहीं लिखा तो वन होता है तो डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर होता जैसे टू लिखा होता तो टू से डिवाइड करते, थ्री लिखा होता थ्री यू तो यहाँ पर थ्री से डिवाइड करके लिख सकते थे, लिखना होता, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना होगा तो यहाँ पर सी टू हो सी वन हो चुका है, तो एक को सी टू यहाँ पर लॉग है, तो लॉग की फार्म में इसको ऐड कर सकते हैं ऐसे, तो इसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं, या सब्सट्रैक्ट भी किया जा सकता है, तो माइनस का साइन भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लॉग को किसी भी फार्म में ओनली सी टू भी लिख सकते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये, इससे क्या होगा कि ये अपान में चला जाएगा, माइनस हमने दिया है तो न्यूमरेटर में टू प्लस यू, और ये माइनस में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इससे ये फ़ायदा हुआ होगा कि हम एंट्री लॉग जब लेंगे तो इधर से तो लॉग हट जाएगी, ये ई की पावर में पहुँचेगा और सी टू भी उधर ले जाएंगे, तो हमारे लिखना ठीक से लिखा हुआ अच्छा नज़र आएगा, तो वैसे भी लिखा रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ पर सी टू को आप उधर ले जा सकते हैं और इसको इधर ले जा सकते हैं, तो सी टू की वैल्यू आ जाएगी ई टू दी पावर, जब इधर आ जाएगा पान में और ऊपर ले जाएंगे पावर ई की माइनस हो जाएगी, और यू ने अपना काम कर लिया है तो इसकी यू की वैल्यू भी रख दीजिए जो कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड थी, यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर दी यू की। अब C2 और C1 हमें मिल चुके हैं, ऐसे इक्वेशन नंबर थर्ड डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर टू और थ्री के यूज़ से हम यहाँ पर अपने जो रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है, यानी इक्वेशन जो हमें दे रखा था गिवन इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर वन, यानी कौन से इक्वेशन का यूज़ करेंगे, टू और थ्री से, तो बाई यूजिंग टू एंड थ्री from equation 2 and 3, the required general solution or given differential equation is, इस फार्म में होगा phi c1 comma c2 is equal to 0 की फार्म में लिखा जाता है, तो c1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से x minus y ये देख लीजिएगा, इक्वेशन नंबर टू से सॉरी,
और इक्वेशन नंबर 3 में अभी हमने C2 की वैल्यू जो आई है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये थी 2 + x + y + z इज इक्वल टू 0, क्योंकि अभी हम लोगों ने इक्वेशन नंबर ये देखा और इसमें e की पावर माइनस x से मल्टीप्लाई और करना है। ये तो हमने लिख दिया, ब्रेकेट हटा दिया था, 2 + x + y + z e की पावर माइनस x का मल्टीप्लाई इसमें और करना है, यानी हमें इसको ब्रेकेट में बंद कर देना है और e टू दी पावर अगले पेज स्टेप में लिख दे रहे हैं y x सीवन के यहाँ पर x माइनस y लिख दिया और इसकी e पावर माइनस x और 2 + x + y + z और ब्रैकेट क्लोज कर दे, राइट हैंड साइड में 0। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।